हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का हाल ही के कुछ दिन पहले यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ था, चाहे वो मेरिट लिस्ट बनने के बाद उनका सेंड टू PFMS गया हो या उनका यहाँ पे पेमेंट फाइल मेड जहाँ लिखा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कुछ बच्चों का इस जगह पेमेंट फाइल रिजेक्टेड, रिजेक्शन रीजन, PFMS रिटर्न, ऐसे कुछ लिख दिया गया है NA। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि क्या हमारा पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो है कम से कम हमारा 10 या 12 दिन से ये शो हो रहा है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी चाहे वो CSE स्कीम के हैं, चाहे वो ईशा उदय का तो अभी हाल ही में मेरिट लिस्ट बना है, उन बच्चों का अभी तो ये NA रिजेक्टेड नहीं शो कर रहा है, लेकिन उनका भी शो कर सकता है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा उनका भी शो कर सकता है एक रीजन के कारण, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्यों ऐसा शो करता है, क्यों ऐसा डराने के लिए आपको दिखाया जाता है। तो ये चीज को कंप्लीट जानेंगे, क्या मतलब है इसका पेमेंट फाइल रिजेक्ट का, क्या आपका इससे पेमेंट कंप्लीट रिजेक्ट हो गया है, क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे काफी सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि पेमेंट नहीं आता है तो काफी सारे डाउट्स होते हैं अगर वो चीज क्लियर ना हो तो, इसलिए मैं इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा आपको, ठीक है। और कुछ बच्चों के जैसे अगर बात करूं ईशा उदय स्कॉलरशिप में, उनका मेरिट लिस्ट में यस तो हो गया है, उनका यहाँ पे पेमेंट मेड फाइल जनरेटेड तो दिखा रहा है, लेकिन किसी किसी का क्या हो रहा है कि उनका UID नेवर इनेबल फॉर DBT एंड अकाउंट इज इनवैलिड, इस प्रकार शो कर रहा है। उसमें भी काफी सारे केस मेरे पास आए थे, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, आपका टेलीग्राम हो, काफी सारे बच्चे मेरे से कमेंट कर रहे थे कि इसका क्या रीजन है, क्या क्या करा है, ठीक है। तो सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूँ, इस वीडियो कंप्लीट देखें। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो जिन बच्चों का सेंड टू पेमेंट हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का नहीं हुआ है मेरिट लिस्ट में यस हो गया तो कुछ टाइम वेट करें, सेंड टू पेमेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन CSE स्कीम में जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट अभी भी नहीं बनी है या अभी भी ब्लैंक शो कर रहा है, तो अब इस टाइम इस वक्त मुश्किल है कि आपकी मेरिट लिस्ट बने, आपको NSP में किसी अदर स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। NSP में बहुत सारी स्कीम अवेलेबल होती है पोस्ट मैट्रिक में, ठीक है, उस स्कीम में अप्लाई कीजिए, क्या पता इस बार आपका सेशन 2023 में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो अब CSE स्कीम की मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, अब जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट बन चुकी है CSE में, उन्हीं बच्चों का सेंड टू पेमेंट किया जाएगा, उन्हीं बच्चों का पैसा अलॉट किया जाएगा, अब अदर किसी भी स्कीम की मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि पेमेंट फाइल रिजेक्टेड PFMS, इसका मतलब ये है कि आपका क्या होता है कि बहुत बार आपका 1.5 महीने से 2 महीने से सेम स्टेटस शो करता है, टोकन नंबर भी आपका सेम रहता है, तो एक सिक्योरिटी रीजन के कारण क्या होता है कि पेमेंट ऑटोमेटिक जो AI सिस्टम है, ऑटोमेटिक क्या हो जाए सिक्योरिटी रीजन के कारण जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब है कि आपका एक टोकन नंबर की वैलिडिटी होती है सपोज 1.5 महीना 2 महीना, अगर आपके 1.5 या 2 महीने के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में प्रोसीड नहीं होता, उस टोकन नंबर के तहत पैसा क्रेडिट नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो टोकन नंबर वो इनएक्टिव हो जाता है, उस स्थिति में दोबारा से नया टोकन नंबर जनरेट किया जाता है, दोबारा नया टोकन नंबर जनरेट करने के बाद फिर आपका यहाँ पे शो करता है पेमेंट फाइल मेड बाय सिस्टम, ठीक है, मिनिस्ट्री टेक नेक्स्ट फर्दर एक्शन, ऐसे लिखा था मैंने, पेमेंट फाइल मेड ऐसा कुछ दिखाई दिया जाता है, ठीक है। जो ये NA की प्रॉब्लम थी वो नहीं रहेगी, वो कब रहेगा, अब ये मिनिस्ट्री अब पेमेंट फाइल के ऊपर वर्क करेगी आपकी स्कीम पे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि मिनिस्ट्री ने पेमेंट फाइल के ऊपर वर्क नहीं किया है, इसलिए अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम है, आपको अपने अकाउंट में KYC, अकाउंट नंबर, DBT लिंक सब कुछ करवा के रखना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में ना देखने को मिले। बस समझ में आ गई, इतना चीज ध्यान रखो, इतना क्लियर डाउट रखो, उससे ज्यादा डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। और जिन बच्चों का चाहे ईशा उदय केस में हो, चाहे किसी भी स्कीम केस में हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम दिखा रहा है UID नेवर इनेबल फॉर DBT एंड अकाउंट इज इनवैलिड, अगर आपने DBT लिंक नहीं करवाया, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, ये चीज ध्यान रखेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, क्योंकि आजकल जो भी पैसा है वो आपका DBT के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपने करवा दिया है तो आपको इस मैसेज को भूल जाना है, चाहे आप कोई से बैंक करवा रहे हो, चाहे वो आपका NSP में आपने अदर बैंक दिया था, चाहे वो करवा रहे हो या किसी अदर बैंक को आप सिलेक्ट करके कर रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा उसमें आपका अकाउंट पहुंचेगा, जिससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने करवा लिया तो अच्छा है, नहीं करवाया तो इस मैसेज को आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको KYC और आपको DBT लिंक जल्द से जल्द आपके अकाउंट को करवाना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो ये चीज देखने को मिल गई, इससे समझ में आ गया अच्छे से। अब यहाँ पे देखो जिन बच्चों का पेमेंट फाइल रिजेक्टेड से जनरेट जब हो जाएगा ना, तब इस प्रकार का शो करेगा पेमेंट फाइल मेड अवेलेबल फॉर PFMS, मतलब आपका जो रिकॉर्ड है PFMS में अवेलेबल है, PFMS की मिनिस्ट्री ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और मिनिस्ट्री इस पे आगे का एक्शन लेगी।
लेकिन अभी जिसका रिजेक्शन होगा, कोई भी एक्शन मिनिस्ट्री ने नहीं लिया है, तो दोबारा से नया टोकन जनरेट होगा, दोबारा से आपका पीएफ बेस पे आपका रिकॉर्ड फाइल दोबारा सबमिट किया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए मिनिस्ट्री को, एनएसपी को टाइम दीजिए। अगर आप रिन्यूअल के एलिजिबल तो रिन्यूअल कर लीजिए, और जिन बच्चों का रिन्यूअल के लिए ऐसे यूआर कोर्स हैज बीन कंप्लीट शो कर, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना रखा है, समझा रखा है क्यों ऐसा आ रहा है, आपको क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए जिनका भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, चाहे आपके मेरिट बन चुकी है चाहे नहीं बनी, इस चीज को गौर कीजिएगा। गौर करने के बाद इस पर आप एक्शन ले सकते हो कि आपको क्या करना है।